हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। विमान बैच जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है और उसकी क्लासेस रनिंग है, आप जानते होंगे कि हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चल रहा है, और टेक्निकल में आज मैथ्स की क्लास रात को 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। ये क्लास आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं मैथ्स वाली, और उसके साथ साथ लाइव ऐप में जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स की क्लासेस ली है वो भी, और जिन्होंने विमान बैच का कम्प्लीट कोर्स लिया है वो भी। आज मैं बात करना चाहता हूं तरुण सर से, और तरुण सर को अगर आप नहीं जानते तो अद्वैत एजुकेशन में ये काफ़ी क्लासेस ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इनके फ़ैन हैं। जो स्टूडेंट इनकी क्लासेस करते हैं वो इनको छोड़ नहीं पाते, इनके साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाते हैं, वो है करेंट अफेयर्स। तो सर की क्लासेस करेंट अफेयर्स में आपके साथ भी इंटरेक्टिव होने वाला है लाइव ऐप में, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सर का बहुत अच्छा हैंड है इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ हिस्ट्री में भी। तो सर की क्लासेस होने वाली है हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और करंट अफेयर्स की। तो मैं एक बार सोचा कि आप सभी से इंटरेक्ट करवाऊं, सर की प्लानिंग क्या है वो सर से पूछूं, और आपको भी पता चले कि सर किस तरीके से आपके लिए विमान बैच में प्लान करके रखे हुए हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, एंड हेलो एवरीवन। और जैसा कि सर ने बताया कि कोर्सेज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, और सर ने बताया कि दो सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे, तीसरा जो है आज मेरे ख्याल से सर रात में 9 बजे राइट। तो मैथ्स जो स्टार्ट हो गया, और मेरे ख्याल से मैथ्स होने के बाद सर फिजिक्स हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो पैरेलली हमारी जो तीन जो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, स्टार्टिंग के जो आपके नॉन टेक इन द सेंस अभी इंग्लिश और एप्टीट्यूड, तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड में से जो भी क्लासेस पहले खत्म हो जाएंगी, जैसे ही वो क्लासेस फिनिश होगी उसके तुरंत बाद मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ, हमारी मुलाकात होगी वहाँ पर लाइव ऐप में। और डेमो तो आप सभी ने देख ही लिया है, नहीं भी देखा है तो सर कोशिश करेंगे कार्ड डेमो हम इनको प्रोवाइड करा दें, बिल्कुल। अदरवाइज नहीं तो यूट्यूब का, जैसे आपने बताया कि अद्वैत एजुकेशन का हमारा एक और जो चैनल है वहाँ पर मेरी वीडियोस आते रहते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। सर सबसे पहले मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो इन लोगों को मैं जो ईजी है, ईजी इन द सेंस वैसे तो सर कोई चीज़ टफ या ईजी नहीं होता, बट चूंकि बच्चों का एक माइंड सेट रहता है कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमको ईजी लगेगा ऐसा करके, तो मैं करंट अफेयर्स से इनको स्टार्ट करने वाला हूँ। अमूनन होता यह है किस प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं, हमने एनालिसिस किया है पिछले वर्ष के कुछ पेपर्स में, तो इकोनॉमिक सर्वेस जो आता है सर, अब चूंकि मुझे इकोनॉमी भी पढ़ानी है और करंट अफेयर्स भी पढ़ाने हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे की मैंने बातें कर ली, या फिर मैंने बजट की मैंने बातें कर ली, नए नए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो लॉन्चिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को मैं कोरिलेट करके बताने वाला हूँ। तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स है वो सर पैरेलल चलने वाली है, दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी नो डाउट, लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि बेटा देखो इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट यहाँ पढ़ना है, करंट अफेयर्स का ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है। मेरे को एक डाउट है सर, करंट अफेयर्स जो है वो इन जनरल हम ये सोचते हैं कि रिसेंटली जो चीज़ें हुई है वो स्टूडेंट को बताया जाए। हाँ जी सर, और इनका एग्जाम मिड ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर उसके आसपास होगा, बिल्कुल। तो इनका जो क्वेश्चन पेपर है मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक रेडी हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जब इन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रीसेंट करंट अफेयर्स में, आपको क्या लगता है कि कितने मंथ पीछे से करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट जो लेटेस्ट चीजें चल रही है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीजें वो करंट अफेयर्स में पूछेंगे, तो आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है कि कब तक से स्टार्ट करेंगे और कब तक ये लोग जाएंगे? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर के बिहाफ में, मतलब सर ने आप लोगों के बिहाफ में क्वेश्चन पूछा ऐसा मान के चलिए। तो देखो एक जैसे मैं सर एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा, अभी एक बहुत ही ज्यादा चर्चित स्कीम है जिसको हम जा रहे हैं अग्निपथ के नाम से, काफी ज्यादा इस पर मतलब बवाल मचा हुआ है, और ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वहां से दागेगा सर, वो एकदम तय है। लाइक इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से दागे जाते हैं। तो जैसे मैंने अग्निपथ की मैंने बातें करी, और सर 90% स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अग्निपथ के बारे में हमको जानकारी जून में मिली, जबकि सर इसको यदि इन लोग ध्यान से देखेंगे तो 10 अप्रैल को मैंने अग्निपथ के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था, इसलिए बताया था क्योंकि सर वो स्कीम चर्चा में है। उसको सर एक और यदि हम देखेंगे तो साल भर पहले मैंने लोगों को एक और पढ़ाया था टूर ऑफ ड्यूटी करके, मतलब जो बच्चा कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, और सर बिल्कुल ईमानदारी से देख रहा है, वो करंट अफेयर का कहीं से भी क्वेश्चन है उसको वो बना लेगा। रही बात सर आपके प्रश्न की वह कब तक को हमको पढ़ना है, तो जिस दिन एग्जाम होगा या जिस मंथ में एग्जाम होगा जनरली उस मंथ को हम स्किप करते हैं, क्योंकि सर अगर आज पेपर हो रहा है तो कल तो बनेगा नहीं करंट अफेयर, सीधी सी बात। तो जनरली जिस मंथ में एग्जाम होता है उस मंथ को छोड़ के उसके पहले के 4-5 महीने जो रहते हैं, मतलब सर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जून पकड़ लिया, तो लगभग इतना हमको करना पड़ेगा। फेब में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय इकोनॉमी सर्वे आया था,
और उसको कराना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर के सेक्शन में कराऊं ना कराऊं, सर इकोनॉमी वाले पार्ट में मैं उसको कराऊंगा ही कराऊंगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है सर, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये तीन ऐसे बड़े सेक्शन हैं जो कि करंट अफेयर्स में जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि सेक्शन इनका थोड़ा सा हम लोग फरवरी का पार्ट उठाएंगे और जब तक मतलब पेपर का जी सर बनने का मंथ जो हम एक्सपेक्टेड मानते हैं वो सितंबर है, उस मंथ का चीजें तो नहीं आएगी बिल्कुल, और उसके पहले की जो भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजों को हम लोग करंट अफेयर्स में बच्चों को बता देंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की काफी सारी क्लासेस चलती है सर, एकदम अवेयर रहते हैं, जैसे अभी जो अग्नि वाला जो कांड है उसमें भी सर ने बोला कि 10 अप्रैल को ही मैंने ऑलरेडी पूरी सारी चीजें बता दिया सर, वो देख भी सकते हैं यूट्यूब में रखा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें मैंने पहले बता रखी थी उन लोगों को। तो ये है एक अटेंटिवनेस जो फैकल्टी के साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे फैकल्टी काफी साल से डील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, जिसका आपको जरूर से एडवांटेज मिलेगा अगर सर की क्लासेस आप करते हैं। इसके अलावा सर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लिए, करंट अफेयर्स की बात के लिए कर लिए, आप एक और सेक्शन ले रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री ले रहा हूं सर जी, जो कि इन जनरल बोरिंग होता है बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे कि हमने बातें कर ली एक मूवी की, हम कोई भी बातें कर लेते हैं, जैसे बाहुबली एक मूवी आई थी, हालांकि वो थोड़ी सी एक फिक्शन थी, बट फिर भी यदि मैं बातें करता हूँ लाइक पद्मावत आई थी, और भी बहुत सारी मूवीज आते रहते हैं, लेटेस्ट की यदि हम बातें करते हैं तो मिल्खा सिंह से रिलेटेड मूवीज आई थी, बच्चे जब उसको विजुअलाइज करते हैं यहाँ पर बोर्ड में जब देखते हैं, उनको कई बार एनिमेशन दिखाया जाता है, पिक्टोरियल माध्यम से दिखाया जाता है, थोड़ा सा फनी वे में बताया जाता है सर। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, एक अभी महिला ने खुद से स्वयं से शादी कर ली, जिसको हम बोलते हैं सोलोगैमी करके, गुजरात की एक महिला थी। अब सर उनको सिंपल बताता तो बच्चों को मज़ा नहीं आता, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया एक विवाह ऐसा भी, तो बच्चे ने मूवी देख रखी थी तो बोले सर ये कैसा विवाह है करके, तो मैंने उनको एग्जांपल से बताया बेटा देखो ऐसा है वैसा है करके, मतलब उन चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे हम उनको डेप्थ तक लेके जाते हैं। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन आयर किया बच्चों से तो फटाफट उन लोग आंसर देने लगे, बोले कि हिस्ट्री आपके साथ बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं रहेगी सर एकदम, उनको मराठा कैसे आए, क्या क्या कहाँ से कौन सी लड़ाई जा रही है ना, कौन किसको मार रहा है, क्या करे सर, सारा का सारा चीज वहां पर हम बताने वाले हैं। इनफैक्ट आपको सर जनरली बच्चे पिक्चर या मूवीज देखते हैं ना वो चीज जल्दी याद रहती है, तो उन सब चीजों के माध्यम से मैं उनको बताने वाला हूँ, डील करने वाला हूँ, मतलब डिजिटल बोर्ड आपको एकदम डिजिटल बोर्ड का फुल इनको जो फायदा है ना सर यहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों मैं बता दूं कि तरुण सर के साथ आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, इकोनॉमिक्स आपको पूरा गणित के साथ समझ में आएगा सर खुद एक्सपीरियंस लिए हुए हैं सर के साथ, मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ चीजें मतलब ऐसा लगता है कि सर ने जैसे मुझे बोला कि सर क्या करोगे आप बिल का, मैंने बोला सर ये मैं जीएसटी जब बच्चों को पढ़ाऊंगा ना उस समय मुझे चाहिए रहेगा। इनफैक्ट सर तो के सर साथ क्या है बिल को भी अपने जेब में डालते हैं, जो अपन इन जनरल होटल्स जाते हैं या कहीं पे जहाँ पे भी बिल मिल जाए सर उसको जेब में डालते हैं, क्योंकि सर को काम आता है काफी चीजों में, करंट अफेयर्स हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब कुछ। तो ऐसा आपका क्लास होने वाला है, मैं सोचा कि आपकी एक भेंट करवा दूं सर के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के फैकल्टीज है, ये मैं करता रहूंगा, हर फैकल्टी को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ताकि आपका जो हमारे साथ बिलीव सिस्टम बढ़ा है, इतने सारी संख्या में आपने विमान बैच में एडमिशन लिया है और एक सक्सेसफुल बैच बनाया है, तो आपके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल खरे उतरेंगे हम सभी, कोशिश यही है कि आपको कहीं पर भी कमी ना दे, आप भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट कीजिए कि आपने जो सपने सजाए हैं ATC का वो साकार हो पाए। हम अपनी तरफ से 100% देंगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारा वर्कबुक है, इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स नोट्स, जो भी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेगी टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में उसके थ्रू, ठीक है, तो ये सारी चीज हमारा प्लानिंग रहेगा। तो जो स्टूडेंट अवेयर नहीं है विमान बैच से और इस वीडियो को देखे हैं, मैं एक बार बता दूं विमान बैच जो है वो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग जो है वो कल 20th तक 3500 थी, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देके हम लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा है और ये अभी 25th of June तक यही कॉस्ट हम रखने वाले हैं 5 दिन के लिए और। तो 3500 इंक्लूडिंग GST आपको फिजिक्स मैथ्स नॉन टेक मिल जाएगा और 1999 इंक्लूडिंग GST में आपको सिर्फ फिजिक्स मैथ्स मिल जाएगा, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। इसको एनरोल करने के लिए आप गिट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वीडियो के कमेंट पे लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9713113156। तो थैंक यू तरुण सर, आपने इतना अच्छा बच्चों को अपने बारे में और अपने कोर्सेज के बारे में समझाया, ताकि बच्चों का जो फील फैक्टर है वो हमारे कोर्स के प्रति बना रहे और बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ाई करके ATC के पोस्ट के लिए अपनी तैयारी करके ATC के पोस्ट को अपने लिए बना सके। So, okay, thank you.